सिमोन जी देखिए, सिमोन जी चेक कीजिए आंसर। सो एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर करना है तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि बेस आइडेंटिटी यूज़ कीजिए। बेस आइडेंटिटी ये है हमारी, इसमें सिर्फ डाल दीजिए। श्रेया जी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ईजी है, जो मेरा सी है वो मेरा माइनस जेड है, तो माइनस जेड का स्क्वायर करना है प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ए और बी तो मेरा एक्स और वाई है। श्रेया जी आपको समझ आ रहा, नहीं आ रहा? ए वाई ये तो सेम ही है, बी जो है वो मेरा वाई है, बट मेरा जो सी है वो मेरा माइनस जी है। नहीं समझ में आया? प्लस सी जो है वो माइनस जी है और ए जो है वो तो मेरा एक्स है। सुखी जी देखिए भाई, यहाँ कोई डाउट है तो रोक लीजिए। फर्स्ट पार्ट कोई डाउट है तो प्लीज़ रोकिए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सॉरी ट्वाइस ऑफ एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जेड एक्स। नहीं समझ में आया? अब यार आपने टीचर से पूछ लीजिए, क्या इसको ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी या एक्सपेंड करना चाहती है, वो एक बार मैडम से पूछ लीजिए। नहीं समझ में आया मेरी बात? कि अगर ऐसे चल जाएगा तो ऐसे ठीक है, और मैडम चाहती है नहीं यार मुझे पूरा ब्रैकेट एक्सपेंड करके पूरा लिख के बताइए, तो आंसर ये है। मित्रों को डाउट है? पक्का? सिमान जी को डाउट? और नोट भाई मेरी बात समझो, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप इस पर फोकस कीजिए। जी बोलिए जी, अब छोड़ दीजिए, अब इस पर फोकस कीजिए। आपकी जो भी गलतियां हैं वो ठीक करते रहिए, घर पे जाके करते रहिए। नहीं समझ में आया? अभी सिर्फ ये देखिए, ठीक है। तो मैं फिफ्थ आपको करके दिखाता हूँ, जो कि थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फिफ्थ में ज़रा समझिए, ए मेरा एक्स है, बी मेरा माइनस वन अपॉन एक्स है और सी मेरा फाइव है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? जो भी टेढ़े क्वेश्चंस आए उसमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले ए बी सी अलग से लिख लीजिए, ताकि जब युद्ध आरंभ हो तो हम क्लियर हों कि हमें क्या करना है। अब ए स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब फाइव का स्क्वायर। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है तो रोकिए। प्लस टू, ध्यान से ब्रैकेट खोलिए, इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, सबसे बड़ी ब्रैकेट है ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है, इसके बाद ये ब्रैकेट होती है, इसके बाद ये ब्रैकेट होती है, ये ऑर्डर होता है। सेवन्थ क्लास में कराया था सबसे पहले, ठीक है। नहीं या तो अब देख लीजिए, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसको एक्चुअली पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये वाली जो है ना इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। इंडिया में सब इसको ब्रैकेट ही बोलते हैं, बट अगर आप कभी अमेरिकन लेक्चर वो देखोगे ना तो वो यूएस वालों को देखोगे इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, या शायद मैं ही गलत बोल रहा हूँ। आपके स्कूल में क्या बोलते हैं इसको? ब्रैकेट ही बोलते हैं, ब्रैकेट ही बोलते हैं, बट आई थिंक जो अमेरिकन हैं वो इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। खैर जो भी है, ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। बड़ी ब्रैकेट के अंदर दो छोटी चीज़ें लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ए इंटू बी करने वाला हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स इंटू माइनस वन अपॉन एक्स। सिमान जी को डाउट? सफाई से कीजिए, कचरा मत कीजिए, साइन ध्यान से लगाइए। माइनस वन अपॉन एक्स इंटू फाइव प्लस सी है, सी क्या है? फाइव, और ए क्या है? एक्स। बड़ी ब्रैकेट क्लोज। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे ही करिए। सो किसी को डाउट है तो रोकिए। पक्का? ओके। तो अब मुझे क्या करना है? अब ये सारा तामझाम तो मैंने लिख दिया, अब मुझे सिर्फ फाइनली इसका आंसर लिखना है। आंसर कैसे होगा? मैं थोड़ी यहाँ जगह बना देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक कोई डाउट? ये तो मैंने क्या मैनेज कर लिया, इसको मैनेज कर लिया। सिमान जी आपको डाउट है? आपको डाउट है? ओके। अब मैं प्लस टू, ठीक है, एक्स इंटू माइनस वन अपॉन एक्स, ये एक्स और ये वाला एक्स कट गया तो यहाँ पर छूट गया माइनस वन। नहीं समझ में आया? पक्का? ये माइनस वन अपॉन एक्स है, ये फाइव है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस फाइव अपॉन एक्स। नहीं समझ में आया? दुख क्लेश वेदना,
ये 5 × x है तो ये आ गया +5x। नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? अब क्योंकि मुझे नीचे वाला सामान नहीं चाहिए तो नीचे वाला सामान मैं सारा इरेज करके ब्रैकेट खोल के फाइनल आंसर अध्यापिका के लिए पेश कर देता हूँ, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर +1/x² +25 -2 -10/x +10x। मित्रों कोई डाउट? ये थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आपके सामने पेश कर दिया। अभी अगर हमें अकल है तो क्वेश्चन 3 पूरा हम एज अ होमवर्क करेंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, समझिए, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं एग्जाम्पल 11 जो एक्सपेंशन है वो खुद से करूँगी, और क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल है पहले मैं खुद से करूँगी, फिर मैं मैच करूँगी कि टेक्स्ट बुक में क्या हुआ है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। नहीं समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, ये 3 क्वेश्चन मैं कर लूँगी, फिर मैं क्वेश्चन 12 देखूँगी ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, खुद से समझूँगी क्वेश्चन 12 खुद से समझूँगी। क्यों? क्योंकि 12th अगर मैं खुद से समझूंगी तो मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 खुद से कर पाऊंगी। नहीं समझ में आया? 4, 5, 6, 7, 8 खुद से कर पाऊंगी। नहीं समझ में आया? बट अगर नहीं हुआ तो रोने धोने की जरूरत नहीं है, ट्यूसडे को आप आएंगे, आपको ये डिस्कस करके बता दिया जाएगा। नहीं समझ में आया? तो होमवर्क क्या है ट्यूसडे का, और मेरे से मत पूछा करो होमवर्क क्या है, लेक्चर में देख लिया करो, ठीक है? तो होमवर्क क्या, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8 ये तो अनसॉल्व्ड है, और सॉल्व्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बुक को देख के बता रहा हूँ ताकि आपको एडिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं, सेम ही है, एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12 आपको कॉपी कर लीजिए या खुद से चेक कर लीजिए, खुद से करिए और चेक कर लीजिए। कोई डाउट है मित्रों होमवर्क में? कोई डाउट? ये सारा तामझाम करके ट्यूसडे को आ जाइए, ठीक है? ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन, ये डिस्कस करके फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देंगे। दुख क्लेश वेदना बाकी।